आज की इस वीडियो में हम सेबरिक डर्माटाइटिस या दाढ़ी में खुश्की के होने के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और लाहौर में स्किन, हेयर एंड नेल डिजीज़ को डील करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सेबरिक डर्माटाइटिस या दाढ़ी में खुश्की के होने के बारे में डिस्कस करेंगे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि खुश्की का होना आमतौर पर जिल्द की खुश्की की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है जिसे सेबरिक डर्माटाइटिस कहा जाता है। इसकी कॉमन अलामत में चेहरे पे खुश्की होना, रेडनेस होना, रेड फ्लेकी स्किन और इचिंग होना शामिल है। सर में भी हाथ फेरने से नाखून में खुश्की का भर आना, ये भी बहुत कॉमन होता है। और उसके बाद स्वेयर इचिंग होती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत इरीटेट होते हैं और डिप्रेस फील करते हैं। आज हम इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। यूजली आमतौर पर ये तस्वर किया जाता है कि ये दिल की खुश्की की वजह से होती है और पेशेंट ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और इसमें सरसों का या तारे मेरे का या अक्सर इरीटेंट ऑयल होते हैं, ये चीज़ों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी वजह से ये बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है। सो फर्स्ट टेक होम मैसेज ये है कि स्किन पे एक्सेसिव ऑयल का इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर टू, आप अपनी स्किन को मेडिकेटेड सोप से धोएं। नंबर थ्री, मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करें जिसमें कीटोकोनाजोल हो 1% या 2%। इसके अलावा जिंक पायरीथियोन शैम्पू या सल्फर कंटेनिंग शैम्पूस भी इस कंडीशन को बेहतर करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा जिल्द पे खुश्की के धब्बे नमूदार होने की सूरत में या रेड स्केली पैचेस होने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर रिकमेंड नहीं की जा सकती, आप अपने माहिर अमराज़ जिल्द से मशवरा करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कंडीशन में बहुत बेहतरी आ जाती है। एक आखिरी सवाल, क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है? इसका जवाब नो है। ये मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसमें बालों को फ्रीक्वेंट शैम्पू करना, जिंक वाले सोप का इस्तेमाल करना और जो कीटोकोनाजोल शैम्पू है उसका इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करके आप इससे इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।